सिरमौर जिले में अचानक मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि देर रात से अलग अलग क्षेत्रों में तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने का समाचार मिल रहा है। ये ओलावृष्टि किसानों व बागवानों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यहाँ इन दिनों लहसुन की फसल पककर तैयार है और लहसुन की खुदाई का कार्य पूरे जोरों से चल रहा है। वर्षा से लहसुन की खुदाई का कार्य रुक गया है और अब लहसुन की फसल जो है खराब हो सकती है। इसी तरह यहाँ इन दिनों आड़ू, पलम, खुमानी की फसल तैयार है। ओलावृष्टि व तेज हवाओं से फल झड़ने का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ मौसम में आए अचानक बदलाव से यहाँ मौसम सुहावना बन गया है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है और आज सुबह से यहाँ पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है और अब सुबह ऐसा लग रहा है जैसे शाम में बदल गई हो। सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। सिरमौर जिले में अचानक मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि देर रात से अलग अलग क्षेत्रों में तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने का समाचार मिल रहा है। ये ओलावृष्टि किसानों व बागवानों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यहाँ इन दिनों लहसुन की फसल पककर तैयार है और लहसुन की खुदाई का कार्य पूरे जोरों से चल रहा है। वर्षा से लहसुन की खुदाई का कार्य रुक गया है और अब लहसुन की फसल जो है खराब हो सकती है। इसी तरह यहाँ इन दिनों आड़ू, पलम, खुमानी की फसल तैयार है। ओलावृष्टि व तेज हवाओं से फल झड़ने का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ मौसम में आए अचानक बदलाव से यहाँ मौसम सुहावना बन गया है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है और आज सुबह से यहाँ पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है और अब सुबह ऐसा लग रहा है जैसे शाम में बदल गई हो। सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।